हमारी चैनल ज्ञान विशेष को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सोलंकी और आप देख रहे हैं ज्ञान विशेष। आज मैं आपको जिस जड़ी बूटी की जानकारी देने जा रहा हूँ उसका संस्कृत नाम है शुभांजन, शिग्रु, मोचक और तीक्ष्ण गंधा। हिंदी में उसे सहजन, सहीजन, सोहाजन और मूलिका से जानते हैं। गुजराती नाम उसका सरगवो और सैंकटो है। मराठी में सेवगा से जानते हैं और बंगाली नाम उसका सजीना और पंजाबी में सोहांजना से पहचानते हैं। सहीजन के वृक्ष लगभग सारे भारत में पाए जाते हैं। इसके वृक्ष छोटे होते हैं या मध्यम आकार के। इसकी काष्ठ और डालियाँ बहुत मृदु होती हैं। जब ये फलों से पूरी तरह लद जाता है तो ये डालियाँ अपने आप टूट जाती है, इतना ये मृदु होता है। इस सहजन को श्वेत वर्ण के झुमकों में पुष्प लगते हैं। ये बहुत ही शोभायमान होते हैं और बाद में फलियाँ लगने शुरू होती है जो लगभग 1 से 1.5 फुट तक लंबी बढ़ती है। ये मूत्र की मात्रा को बढ़ाता है। इसके बीज बड़े ही चक्षुष्य होते हैं। ये सहजन बहुत सारे रोगों को मिटाता है। इसके गुणधर्म की हम बात करें तो सहजन जो होता है ये रेचन, दीपन, पाचन, विदाही, ग्राही और शूल का शमन करने वाला और कृमिघ्न है। मीठा सहजन होता है ये पिच्छल और मधुर होता है। इसके मधुर रस होने के कारण सारक भी होता है। उष्णता के कारण यह हृदय के लिए बहुत ही हितकारी है। ये परम सोतहर है और कफग्न है। तीक्ष्णता और उष्णता के कारण यह गुर्दे को उत्तेजित करता है और मूत्र की मात्रा को बढ़ाता है। सहजन की जड़ को 10 ग्राम की मात्रा में लेकर उसका रस निकालें और उसमें सौंठ 2 ग्राम डालकर सुबह शाम पीने से पाचन शक्ति बहुत बढ़ जाती है। इसकी ये फलियाँ को लेकर साक में खाने से अंतर्कृमि मिट जाती है और आंतों में जो कीड़े होते हैं ये भी मिट जाते हैं। बहुत ही गुणकारी औषधि है। इसके 10 ग्राम गोंद को नित्य 7 दिन तक दही के साथ सेवन करने से मूत्र कुछ मिट जाता है। जलोदर में इसके 50 ग्राम जड़ को लेकर 200 ग्राम पानी में उबाल कर तैयार करें और सुबह शाम उसका नित्य सेवन करने से जलोदर रोग मिट जाता है। इसके कोमल कोमल पत्तियों का रस निकाल कर उसमें थोड़ी सी काली मिर्च पीचकर उसका लेप तैयार करें और ये मस्तक पर लगाने से मस्तक पीड़ा शीघ्र मिट जाती है। इसकी ताजी जड़ को लेकर पीछले और सरसों अदरक को संभव मिलाकर पीछे और ये सब मिलाकर 1-1 ग्राम की गोली बनाए और 2-2 गोली प्रातः स्वयं सेवन करें तो तिल्ली व मंदाग्नि में बहुत लाभ होता है। शरीर में किसी भी प्रकार की आंतरिक सूजन हो तो इसकी छाल को लेकर जल में घिसे और 10 ग्राम की मात्रा में इसका सेवन करने से सब प्रकार की सूजन उतर जाती है। इसकी छाल को स्वदेशी पेंचिलिन भी कहा जाता है। बहुत ही लाभकारी है। सौंठ में भी ये बहुत गुणकारी है। निमोनिया, पसलियों का शूल, उदर शूल आदि में इसकी छाल का लेप बाह्य रूप से करने से सूजन मिटकर आराम मिलता है। अंदर या बाहर हर प्रकार की सूजन इससे मिट जाती है। बहुत ही लाभकारी औषधि है। इसके कोमल पत्तों को लेकर 50 ग्राम का रस निकालें और 2 चम्मच उसमें शहद डालें और आँखों में अंजन करें तो तिमिर आदि सर्व नेत्र रोग इससे मिट जाते हैं। उसमें बहुत लाभ मिलता है। जिनको श्वास रोग हो उनको सहजन की जड़ों का रस निकालकर अदरक का संभाग रस मिलाकर 10 से 15 ग्राम की मात्रा में नियमित प्रातः सायं पीते रहने से श्वास रोग मिट जाता है। दोस्तों, दंत रोग में इसका एक अच्छा प्रयोग है। इसके गोंद को लेकर मुंह में रखें तो दांत का सड़ना रुक जाता है। इससे बहुत ही आराम मिलता है। इसके पुष्प बहुत ही शोभायमान होते हैं। शुभांजन इसे नाम दिया गया है। बहुत ही सुंदर है। इस पुष्पों को लेकर 250 ग्राम मात्रा में दूध में उसको उबालें और नित्य थोड़े दिन पीते रहने से सुबह शाम
पुरुषार्थ भी बढ़ता है, बहुत ही लाभकारी औषधि है। इसकी ताजी जड़ को अदरक और सरसों के साथ घिसकर लेप करें तो गठिया रोग में बहुत ही आराम मिलता है। इसके गोंद का लेप करने से गठिया की सूजन मिट जाती है। तो इसके पत्तों को पानी के साथ पीसकर गुनगुना कर लेप करने से वायु की जो पीड़ा होती है ये शीघ्र मिट जाती है। इसकी जड़ और देवदारू की जड़ को संभाग कांजी के साथ पीस ले और गुनगुना कर लेप करें तो अति दुसाध्य जो अपची होती है ये मिट जाती है। इसकी 20 ग्राम ताजी जड़ को निकाल ले और पानी में उबाल कर पीने से नियतकालीन ज्वर निश्चय ही इससे छूट जाता है। सहजन से घर के आंगन की शोभा बढ़ती है। ये छायादार वृक्ष है, छाया भी मिलती है इससे। इसको लगाना बहुत ही आसान है। वर्षाकाल में इसकी डाली को कहीं से भी आप काट लीजिए और अपने आंगन में लगा दीजिए, गाड़ दीजिए तो ये उग जाता है। दूसरा तरीका है इसके बीजों को लेकर बो दीजिए तो भी ये उग जाता है। ये बहुत अच्छी औषधि है, घर के आंगन की शोभा को बढ़ाती है। सहजन खेती के लिए बहुत ही लाभकारी है, इसकी खेती भी होती है, इससे बहुत फायदा होता है। मनुष्य जाति पर कुदरत का एक वरदान के समान सहजन है, तो इसका जरूर प्रयोग करें और इसकी जानकारी दूसरों को भी दें और इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।